Hello students, how are you? Hope you are fit and fine. Today we will do lesson number 13, A Shelter So High. We will do extra question answers of this lesson in this video. Let's start. First of all, we will do target learning outcomes. इस लेसन को पढ़ करके आपने क्या सीखा या क्या सीखेंगे वही इसमें बताया गया है. फर्स्ट इज ट्रैवलर्स लाइफ. गौरव जानी आपको पता है एक ट्रैवलर था, तो उसकी लाइफ से हमें पता लगता है कि एक यात्री की लाइफ कैसी होती है जो हर जगह घूमता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, देर आर सो मैनी टाइप ऑफ हाउसेस इन अवर इंडिया एंड वी विल लर्न अबाउट दीज हाउसेज इन दिस लेसन. Importance of such houses as per environment. What is the importance of these different type of houses in different environment? For example, if we are living in Delhi or Mumbai, then the roof of our houses are flat. अगर हम दिल्ली या मुंबई में रहते हैं तो रूफ कैसी है? फ्लैट. इफ वी आर लिविंग इन लेह लद्दाख देन आल्सो फ्लैट. बट इफ वी आर लिविंग एट ए प्लेस वेयर देयर सो मच रेन और स्नो देन द रूफ विल बी ट्रायंगुलर शेप, यानी अपोजिट वी, यानी उल्टे वी की शेप में होगी, ट्रायंगुलर शेप में होगी रूफ, ताकि पानी और बर्फ उस पर जमे ना और नीचे की तरफ बह जाए. पश्मीना वूल के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे. चेंगपा नाम की एक ट्राइब, उसके बारे में जानेंगे जो लेह लद्दाख में रहती है. लेह लद्दाख, चांगथांग ऐसे एरिया के बारे में हम जानेंगे. लेट्स स्टार्ट. मैच द कॉलम. सबसे पहले हम करते हैं मैच द कॉलम. मैच इट करना है हमें. हमें जो है दो कॉलम दिए गए हैं, ए एंड बी. Houses in Mumbai are, Mumbai में बने हुए houses कैसे होते हैं? That are made of cement, bricks, glass and steel. Second, Bakarwal people live in houses, किस तरह के घर में रहते हैं? Made of stone and mud. Third is tourist in Srinagar. श्रीनगर में tourist जो है कहाँ रहना पसंद करते हैं? Love to stay in houseboats. House of Cheng Pass is known as रेबो. चेंग पास का घर क्या कहलाता है? रेबो. प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स इज नोन एज, जहां पर वो लोग अपनी शीप्स और गोट्स को रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? लेखा. जैसे हम अपने पशुओं को रखने के लिए अलग कमरा बनाते हैं ना, तो वो अपने टेंट के पास एक अलग कमरा स्टोन से बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? वो लेखा. और उनके टेंट को क्या कहा जाता है? रेबो. फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल वर्ड्स. हाई ड्राई एंड फ्लैट लैंड ऑफ लेह इज कॉल्ड एज कोल्ड डेजर्ट. द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5,000 meters. आफ्टर ऑलमोस्ट डैश आवर्स, कितने आवर? 250 hours. जब वर्कर्स काम करते हैं, वीव करते हैं, बुनते हैं, तब उन्हें एक सिंपल पश्मीना शॉल मिलती है. Beautiful carving on the ceiling of houses and houseboats are called khatamband. क्या कहलाती है वो? खतमबंद कहलाती है जो कार्विंग की जाती है. Beautiful arcs on the doors and windows of old houses made of stone, bricks and wood is called mehrab. वो क्या कहलाती है? मेहराब कहलाती है. Tourist enjoy shikara ride on the Dal Lake. वो क्या करते हैं? डल लेक पर शिकारा को चलाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, शिकारा की राइड को. स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? लद्दाख गेट्स ए वेरी हैवी रेनफॉल. लद्दाख में हैवी रेनफॉल होता है? नहीं, वो कोल्ड डेजर्ट है बेटा, वहां पे बर्फ पड़ती है लेकिन वहां पे रेनफॉल नहीं होता. गोट्स आर इन लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ चेंगपा ट्राइब. यस टू चेंगपास जो ट्राइब है उनका जो अर्निंग का साधन कौन है? गोट्स हैं. उनके जीने का साधन चेंगपास
कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हाउसेज एंड याक्स, दैट इज ट्रू, अपने याक पर और अपने घरों पर जो है वो कैरी करते हैं हर चीज को. मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन ए डोंगा वेर, दिस इज ऑल्सो ट्रू. एवरी लेन इन कश्मीर हैज ए बेकरी विच सेल्स रोटी. कश्मीर में जो है हर गली के अंदर क्या होती है, बेकरी होती है जिसमें रोटी सेल की जाती है, ये भी सच है. कैन यू गेस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द बकरवाल पीपल एंड द चेंगपास? सिमिलैरिटीज बिटवीन बकरवाल एंड चेंगपास, बोथ ऑफ देम रियर एनिमल लाइक शीप कोट एटसेट्रा, दोनों क्या रखते हैं, शीप कोट रखते हैं. बोथ ऑफ देम कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. बोथ अर्न देयर लाइवलीहुड सेलिंग वूल, दोनों की जीविका का साधन क्या है, वूल को सेल करना, ऊन को बेचना. डिफरेंसेस बकरवाल पीपल गोट्स को समर में हायर एल्टीट्यूड पर ले जाते हैं, जबकि चेंगपास जो हैं ब्रिंग देयर गोट्स टू हायर लैंड्स ड्यूरिंग विंटर, ये विंटर में लेकर जाते हैं चेंगपास. देयर हाउसेज ऑन हाई लैंड आर बिल्ट ऑफ स्टोन एंड मड, बकरवाल लोगों के घर कैसे बने होते हैं, स्टोन से और मड से. चेंगपास के घर कैसे बने होते हैं, टेंट होते हैं उनके जो योक की स्किन से बनाए जाते हैं. जो बकरवाल लोग होते हैं इनके घरों की रूफ क्या होती है, फ्लैट होती है जिस पर वो मिर्ची वगैरह सुखाते हैं, जबकि जो चेंगपास लोग हैं इनके घर की जो छतें होती है वो कैसी होती है, कोन शेप होती है. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड फाइंड द स्टेट्स मेंशनड इन द चैप्टर, चैप्टर में जो आई हैं वो सारी स्टेट्स हमें बतानी है. देखिए महाराष्ट्र से स्टार्ट किया उसने, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, पंजाब से होता वो कहाँ गया, हिमाचल, हिमाचल के बाद कहाँ गया, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख. ये जो येलो है महाराष्ट्र, ग्रीन गुजरात, पिंक राजस्थान, पर्पल ये ऊपर सारा हमारा हरियाणा पंजाब आ जाएगा, दिल्ली, और उसके बाद ये हमारा जो है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. हमारे पास ये बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इससे जो है हमें जो है वर्ड्स छांट करके कहाँ फिल करने हैं हमें इसके अंदर. गौरव जानी फेल वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी विद हिज मोटरसाइकिल नेम्ड, क्या था मोटरसाइकिल का नाम, लोनर. डिस्टेंस मुंबई और दिल्ली के बीच में कितना था, 1400 किलोमीटर. दिल्ली जो है वो किस तरह से दिखाई देती थी, लाइक मुंबई, किसकी तरह, बिल्कुल मुंबई की तरह दिखाई देती थी. दिल्ली और मुंबई के वो सोच रहा था फर्क होगा, लेकिन उसे वहां कोई फर्क नहीं मिला. इन डैश देयर वर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, कहाँ पे, लद्दाख में थे. झूले का मीन क्या था, वेलकम टूरिस्ट हु केम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन ए हाउस बोट, कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, हाउस बोट में. हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 10 फीट, 80 फीट एंड 8 फीट. मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव्स इन डोंगा, कहाँ पे रहती हैं, डोंगा में. मेहराब क्या है, ब्यूटीफुल आर्क है, पुराने घरों में बनी हुई. राइट ट्रू और फॉल्स, टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स. गौरव जानी जर्नी टुक अबाउट 4 मंथ, गौरव जानी की जर्नी को कितना टाइम लिया था, 4 मंथ, दैट इज फॉल्स. रोड्स टू रीच लेह वर डिफिकल्ट टू ट्रेवल ऑन, ट्रू. लद्दाख गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल, लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होते हैं, ट्रू. चैंगथेंग इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 6000 मीटर, दैट इज फॉल्स, 5000 मीटर पर है. चेंगपा ट्राइब हैज ओनली 500 पीपल, चेंगपास ट्राइब के केवल 500 लोग ही बचे हैं, दैट इज फॉल्स. चेंगपास हैड हॉर्सेज एंड याक्स, फॉल्स, याक हैं, हॉर्सेज नहीं, याक्स भी नहीं है उनके पास, मेनली गोट्स हैं. चेंगपास मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रू.
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज ए कोल्ड डेजर्ट, कौन सा है? लद्दाख। वेयर इज लेह, लेह कहाँ पर है? लद्दाख में। बी, द कार्विंग ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड बिग हाउसेज इन श्रीनगर आर कॉल्ड, क्या कहलाती है ये? खतमबंद। सम ऑफ द हाउसेज ऑफ श्रीनगर हैव ए स्पेशल विंडो विच कम्स आउट ऑफ ए वॉल नोन एज, उसको क्या कहते हैं हम? डैब। क्या कहते हैं? डैब, स्पेशल विंडो जो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हाउस? डैब, डैब विंडो है। बकरवाल पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ स्टोन एंड मड। रूफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ ताशी। ओवर दीज रूफ ताशी एंड अदर फैमिलीज ऑफ लेह क्या डालते हैं? वो फ्रूट्स वेजिटेबल को सूखने के लिए डालते हैं समर में, ताकि विंटर में उनको भोजन मिल सके। गोट्स आर ए ट्रेजर ऑफ द चैंगपा ट्राइब पीपल, क्यों है वो उनका ट्रेजर? क्योंकि चैंगपा से उन्हें क्या मिलता है? मिल्क, मीट, वूल एटसेट्रा, जिससे उनका खाने पीने की भी जरूरत पूरी होती है और आजीविका भी मिलती है। चैंगपास ग्रेस देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस, वो हायर और कोल्डर प्लेसेस पर अपनी गोट्स को क्यों ग्रेस करवाते हैं? ताकि उन्हें अच्छी क्वालिटी की और सॉफ्टर वूल मिल सके। दे ग्रेस देयर गोट्स एट हायर अल्टीट्यूड सो दे कैट देयर गोट्स कैन हैव सॉफ्टर एंड फाइन फाइन हेयर। ईच फैमिली पुट्स ए स्पेशल मार्क ऑन देयर एनिमल, वो स्पेशल मार्क क्यों डाल के रखते हैं? सो दैट द गोट्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज डज नॉट गेट मिक्सड विद वन अनदर, एक दूसरे से साथ मिक्स ना हो जाए। हाउसेज ऑन द माउंटेन हैव ए स्लोपिंग रूफ, ताकि जो उनके ऊपर बर्फ आए या फिर पानी आए वो नीचे की तरफ चला जाए। स्लाइड डाउन फ्रॉम द रूफ। एवरी लेन इन कश्मीर हैज ए बेकरी, यस ट्रू। पीपल इन कश्मीर डू नॉट कुक रोटी और बेक ब्रेड एट होम, वो घर पे नहीं बनाते, वो बेकरी से बाय करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये टेंट है, टेंट के आगे खड़ी दो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। चेंगपा पीपल लिव इन सच टेंट, बट डू दे कॉल देयर टेंट रेबो, क्या कहते हैं वो? रेबो। नेम द टेंट्स चेंगपास कीप देयर एनिमल, अपने एनिमल्स को रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लेखा, क्या कहते हैं? लेखा। हाउ आर दीज टेंट्स मेड? द टेंट ऑफ द चैंगपास विच इज कॉल्ड रेबो इज मेड बाय वीविंग एंड स्टिचिंग अप द स्ट्राइप्स टू फॉर्म द टेंट। ये योक की फोटो है, इसकी स्किन से वो टेंट बना होता है ना सुंदर? वाई वर इज एन ओपनिंग इन द टेंट, टेंट में ओपनिंग क्यों होती है? ताकि चूल्हे का जो धुआं है वो बाहर जा सके। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको घर दिखाया गया है। सच हाउसेस आर फाउंड इन लेह लद्दाख, कहाँ का घर था? लेह लद्दाख का। व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ दिस हाउसेस, ये पत्थरों को तोड़ करके एक के साथ एक जोड़कर बनाए जाते हैं और इस पे वुडन स्टेयर होती हैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए। फॉर व्हाट पर्पज आर द ग्राउंड फ्लोर यूज इन दीज हाउसेज, इन हाउसेज में ग्राउंड फ्लोर किस लिए यूज होता है? एनिमल्स को और इम्पोर्टेंट चीज़ों को स्टोर करने के लिए। इस पैसेज को पढ़ना है और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पश्मीना वूल के बारे में पैसेज है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल के बारे में क्या स्पेशल है? ये 6 स्वेटरों जितनी गर्मी देती है। फ्रॉम विच एनिमल इज द वूल ऑफ पश्मीना शॉल ऑब्टेंड, वेयर आर दीज एनिमल्स फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं? पश्मीना वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम पश्मीना गोट से मिलती है और ये एनिमल 5000 मीटर की ऊंचाई पर चेंगथांग में मिलते हैं। ये देखिए, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ पश्मीना वूल, पश्मीना वूल की क्या स्पेशलिटी है? बड़ी फाइन होती है और इतनी गर्म होती है कि 6 स्वेटर की जितनी गर्मी हमें प्रोवाइड कर सकती है, दे सकती है। हु मेड दी शॉल, हाउ, कौन इन शॉल्स को बनाता है और कैसे? द वीवर्स जो होते हैं, जो जुलाहे होते हैं, वो इस शॉल को बनाते हैं। शी शॉल्स फ्रॉम पश्मीना वूल इज हैंड वूवन बाय द वर्कर ऑफ कश्मीर, इट टेक्स 250 आवर्स टू वीक वन प्लेन शॉल।
कश्मीर के वर्कर जो है अपने हाथों से इसे 250 घंटे लगा करके एक शॉल को बनाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई डिड गौरव जानी गो ऑन सच्चे लॉन्ग जर्नी। गौरव जानी को जो है ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसीलिए वो ऐसे एरिया पे जाता था जो ज़्यादा भीड़ भरे ना हो, जहाँ पे क्राउड ना हो और जहाँ पे शोर शराबा ना हो। वट आर थिंग्स डिड गौरव जानी टेक विद हिम ऑन हिज जर्नी। क्या लेकर गया था, नायलॉन टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स, ब्लैंकेट, ड्राई फूड्स, कैमरा, टॉर्च और एक्स्ट्रा कैन ऑफ पेट्रोल। विच लेक एंड रिवर आर सिचुएटेड नियर श्रीनगर, वट काइंड ऑफ हाउसेज आर सीन नियर द लेक। डल लेक और झेलम रिवर वहाँ पर है श्रीनगर में, और वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाउस बोट। वट थिंग्स अट्रैक्ट टूरिस्ट टू श्रीनगर, उनके जो हाउस बोट्स हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, उसे देखने के लिए वो लोग वहाँ जाते हैं। वट इज़ ए शिकारा, शिकारा एक स्पेशल टाइप की बोट है जो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, झेलम में, रिवर में और डल लेक में। हाउ वॉज गौरव फीलिंग ऑन दिस रिटर्न जर्नी, गौरव को कैसा लग रहा था वापिस आते हुए, वो बहुत दुखी था क्योंकि उसने जो अलग अलग कंट्रीज के पार्ट देखे थे वहाँ से उसे वापिस आना था। हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखने हैं बकरवाल लोगों के और चैनपास लोगों के बीच में। सिमिलैरिटीज, बोथ ऑफ देम लिव इन माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं दोनों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है घूमते रहते हैं, और दोनों जो है कहाँ पे डिपेंडेंट है, गोट्स पर, योक्स पर, शीप पर। वो अपनी लाइवलीहुड जो है वो किससे कमाते हैं, वो इन एनिमल्स की वूल को सेल करके कमाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन बकरवास एंड चांगपास, बकरवाल ग्रेज एनी टाइप ऑफ गोट एंड शीप एट एनी प्लेस, बट चांगपास ग्रेज स्पेशल टाइप ऑफ गोट एट हाई एल्टीट्यूड। द गोट्स ऑफ चांगपास डिवेल्प मोर एंड सॉफ्टर हेयर एट हाई एल्टीट्यूड। चांगपास को जो है सुपीरियर और फाइन जो है हाई एल्टीट्यूड पे वूल मिल जाती है। बकरवाल स्टे एट लोअर एल्टीट्यूड आल्सो, वाइल्ड चांगपास जो है हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं। गौरव जानी जो है श्रीनगर में ब्यूटीफुल हाउसेस को देख के बहुत अचंभित था। उसकी जर्नी के बारे में बताइए और हाउसेस के बारे में बताइए। हाउस बोट जो होती है वो स्मॉल हाउस होती है, बोट पर बनी हुई होती है, टूरिस्ट इसमें रहना पसंद करते हैं। डोंगा जो होती है ये भी स्मॉल बोट के ऊपर एक छोटा सा घर बना होता है जिस पे लोग सब्जी बेचते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज जो है वहाँ पर डोंगा में रहती हैं। ठीक है, ये बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर थे इसके। अब इसके बाद जो है हम इसकी इवेल्युएशन करेंगे। राइट ब्रीफ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में बताना है, उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। एक कलरफुल पोस्टर हमें बनाना है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पता चले, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा गौरव जाने की जर्नी के बारे में लिखना है। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। ऐसे ही और वीडियोस और इससे पहले के लेसन्स के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें श्रीजा एजुकेटर्स। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।